हेलो गैस, कैसे हो यार? मैंने तो मेरा थोड़ा सा लीवर का हिस्सा बेच दिया है ग्राफिक कार्ड को ख़रीदने के लिए। मजाक कर रहा हूँ। मैंने GTX 1660 Ti लिया है सेकंड हैंड मार्केट से। 20,000 के अराउंड मेरे को उसका प्राइस पड़ा है। एंड वहीं पे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ RTX 3050 के साथ। ओके, ये तीन ग्राफिक्स कार्ड है जो इस प्राइस पॉइंट पर आते हैं। बेंच मार्क्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, RTX 3050 के एंड GTX 1660 Ti के। अब बात करते हैं, तीन ग्राफिक्स कार्ड है RTX 2066 GB एंड GTX 1660 Ti एंड सुपर एंड RTX 3050। ये तीनों ही जो ग्राफिक कार्ड है ना, 28,000 से लेके 32,000 के बीच रहते हैं। ओके, अगर आपको नया ही परचेज़ करना है तो आप RTX 3050 के साथ जाना, ना कि GTX 1660 Ti के साथ। ओके, रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि RTX 3050 नया ग्राफिक्स कार्ड है, नया आर्किटेक्चर पर बेस्ड है एंड जो उसके साथ आपको DLSS एंड रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिलता है वो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देगा एंड फ्यूचर प्रूफ भी है। वो 8 GB VRAM के साथ आता है। वहीं पे RTX 2060 इन दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड को बीट करता है परफॉर्मेंस वाइज, बट वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है एंड उसका पावर कंजम्पशन थोड़ा सा हाई है इन दोनों के मुकाबले ही। एंड वहीं पर वो परफॉर्मेंस 10-15% एक्स्ट्रा देता है। और अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर 20,000 के अराउंड ही GTX 1660 Ti या सुपर मिलता है एंड प्राइस रहता है 18-20,000 के बीच, 22 भी चल जाएगा, और वारंटी के अंदर कार्ड है, मिनिमम 2 ईयर्स की वारंटी के साथ कार्ड है, देन आप उसको परचेस कर सकते हो। अच्छे से टेस्ट करके ही लेना। तो यही वीडियो था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना।